ये हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जताने के लिए भारत बंद बुलाया गया है। राजस्थान में भी भारत बंद को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि SC ST रिजर्वेशन के वर्गीकरण के विरोध में बुलाए गए इस बंद को लेकर भजनलाल सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भजनलाल सरकार ने कहा है कि इस मामले पर केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय लेगी, राज्य सरकार उसी के मुताबिक कदम उठाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने भारत बंद को लेकर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में देश भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं अफवाहें न फैलाएं। हम सभी को समाज में एक साथ रहना है, इसलिए ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। हालांकि SC ST संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए क्षेत्रवार टोलियां गठित की गई हैं। ये टोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बाजार और संस्थान बंद कराने के लिए सुबह 8 बजे निकलेंगी, जो दोपहर 3 बजे तक क्षेत्रों में रहेंगी। बंद के दौरान किसी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। बंद में करीब 30 से ज्यादा संगठनों ने व्यापारिक और सामाजिक संगठनों को बंद को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। बंद के दौरान टोलियां रैली निकालकर सभी जिलों में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भजनलाल सरकार ने कलेक्टर SP को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के अधिकांश जिलों में कलेक्टरों ने स्कूल, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। कुछ जिलों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त किए गए हैं। भरतपुर करौली में नेटबंदी का आदेश भी दिया गया है।